हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बाढ़ के बाद अब राजधानी दिल्ली पर भी बारिश का असर और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना में जलस्तर बढ़ने के बाद हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से 8.72 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बताया जा रहा है यमुना में इतना पानी अब तक नहीं छोड़ा गया था। 1978 में यमुना में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी और तब हरियाणा से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। पानी छोड़े जाने के बाद यमुना खतरे के निशान पर आ गई है। खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आपात बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये जानकारी दी है और बताया है कि निचले इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यमुना के किनारों पर निगरानी रखने के लिए 44 बोट्स के साथ ही 27 गोताखोरों की टीमों को अलग अलग लोकेशंस पर तैनात कर दिया है। इनमें 13 रिजर्व बोट्स भी शामिल हैं। तो दिल्ली पर भी अब खतरा मंडरा रहा है क्योंकि पानी का जो जलस्तर है, यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं, आसपास जिन इलाकों पर लोग रहते हैं, उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और यहाँ पर हर जगह तैनात किया गया है लोगों को भी, जिससे कि प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरीके से सतर्क है। शाम को 6 बजे के लगभग हरियाणा ने 8.28 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पानी है। ये पानी दिल्ली आने में कहा जाता है कि 36 से 72 घंटे लगते हैं। इसकी वजह से जो भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है उसको लेके अभी हम लोगों की मीटिंग हुई है, जिसमें सभी कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और मंत्रीगण मौजूद थे। उससे जान माल को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं और राहत कार्यों की जो राहत मटेरियल और राहत कार्यों की ज़रूरत होगी उसकी सारी समीक्षा की गई और उसके सारे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। तो यमुना में इतना पानी अब तक नहीं छोड़ा गया था जितना अभी छोड़ा गया है। ऐसे में यमुना खतरे के निशान पर है। 1978 में यमुना में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी और उसके बाद अब जाकर यहाँ पर हरियाणा से 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था उस वक्त, और ऐसे में यमुना का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है। राजधानी दिल्ली में भी अब खतरा मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में जो निचले इलाके हैं, जो आसपास के इलाके हैं, उन्हें उन पर ध्यान दिया जा रहा है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। और ऐसे में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पूरी जानकारी दी है। जो एहतियात के तौर पर वहाँ पर बोट्स को तैनात किया गया है, पानी छोड़े जाने के बाद यमुना खतरे के निशान से ऊपर है और ऐसे में निगरानी रखने के लिए 44 बोट्स को तैनात किया गया है। और भी अतिरिक्त बोट्स हैं जो निगरानी के लिए तैनात रहेंगी। इसके अलावा 27 गोताखोर की जो टीम है वो भी वहाँ पर तैनात हैं। ख़ास तौर से जो इलाके हैं, जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं, यमुना के आसपास रहते हैं, उन्हें वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है।